जब हम इन कील मुहासों से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारा चेहरा गंदा दिखने लगता है और इन पर दाने निकलते रहते हैं और इनमें पस पड़ जाता है और हमारा चेहरा बहुत ही भद्दा लगने लगता है और हमें कहीं भी जाने में शर्म आती है, तो उस समय हमें फ्रेंड्स क्या करना होगा, हमें चाहिए कोई घरेलू रेमेडी। और वो घरेलू रेमेडी मैं आज लेकर आई हूँ, आपका उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं है और आपके कील मुहासों में बहुत राहत होगी। तो हमें लेनी है सूखी हुई तुलसी, अधिकतर घर में हमें सूखी तुलसी मिल ही जाती है, तो ये जो सूखी तुलसी होती है इन्हें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है और इन्हें हमें एक फ्राई पैन या किसी भगोने में इन्हें हमें बॉयल करना है। तो कुछ सूखी लकड़ियाँ हमें तुलसी की ले लेनी है और इसमें डालना है हमें पानी और इसको हम बॉयल कर लेते हैं। तो हमने गैस पर इसे चढ़ा दिया है और हमारी तुलसी की लकड़ी अब बॉयल होने लगी है, तो बस अब इसे हम छान लेते हैं और इसका जो अर्क निकला है इसे तुलसी अमृत कहते हैं। ये बाज़ार में बड़ा महंगा महंगा आता है, आप इसे घर पर ही इस तरह से तैयार कर सकते हैं। आप इसे गुनगुना गुनगुना पी भी सकते हैं, यदि आपके गले में खराश है या फिर आपको नज़ला जुकाम है तो आप ये गुनगुना पी सकते हैं। टेस्ट के लिए इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर सकते हैं या फिर शहद डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये तुलसी अमृत बनकर तैयार हो जाता है और ये बहुत ही पॉजिटिविटी वाला होता है और आप इसे अपने नहाने के पानी में भी 2-4 चम्मच डाल के नहा सकते हैं। इससे बीमारियां दूर होती हैं और आपका जो घड़े में पानी रखा रहता है उसमें भी 2-3 चम्मच मिला दीजिएगा, तो इससे पीने से भी आपको बहुत आराम मिलेगा और आपको बीमारियाँ बिल्कुल नहीं होंगी। तो अब ये पानी हम ठंडा कर लेते हैं और हमने लिया है मुल्तानी मिट्टी को। तो ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ये आयुर्वेदिक चीज़ होती है और ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है। तो इसका हमने पाउडर बना लिया है, तो इस तरह से हमने 1-2 चम्मच के बराबर पाउडर लिया है और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा तुलसी अमृत और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा उंगली से भी इसे फेंट लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ जो गांठें होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसको एक पेस्ट सा बना लिया है और इसे आप फ्रेंड्स अपने कील मुहासों पर, अपने चेहरों पर लगाइएगा, तो इससे जो आपके कील मुहासे हैं और उसमें जो गंदगी चेहरे पर जम जाती है वो सारी उखाड़ फेंकेगी और जो हमारे चेहरे पर जो पोर्शन होते हैं वो खुल जाते हैं और उनमें जो फंसी गंदगी वो भी बाहर आ जाती है, तो हमारे कील मुहासे ख़त्म होने लगते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप अपने चेहरे पर इसको लगाइएगा। तो इसे लगाने से क्या होता है कि हमारे जो चेहरे पर गंदगी जमा होती है तो उससे हमारे चेहरे के जो पोर्शन होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इसे लगाने से वो इन्हें खींच लाती है गंदगी को, ऑयल को, तो इससे पोर्शन खुल जाते हैं और हमारे कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये किसी दूसरे से ब्रश की सहायता से भी लगवा सकते हैं या स्वयं भी लगा सकते हैं और इसे लगाने के बाद 10 मिनट तक लगा के धो लेना है और उसके बाद आपकी खिली खिली रंगत बाहर आएगी और कील मुहासे ख़त्म होने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी, इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इससे आपके कील मुहासे ठीक होने लगेंगे और आपका चेहरा सुंदर और अच्छा बनेगा और उस पर ग्लो आ जाएगा। तो इस तरह से आप कहीं भी जाने में बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे और किसी भी शादी पार्टी में आराम से जा सकेंगे और आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर से कीजिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर से इसे ट्राई करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपका कितना चेहरा ठीक हो गया और आपके मुहासे कितने कम हो गए या बिल्कुल ठीक हो गए, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।